तो मैं फिर आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे इवनिंग और आज क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सडन प्लान बनाया कि हम आज कोंडेश्वर हो आते हैं, बिकॉज मैं कभी नहीं गई हूँ, तो आज मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम रहेगा। एंड मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ भी सब शेयर करूँ, तो इस ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने मोहित ने पहन लिया है रेनकोट, बिकॉज रास्ते में बार बार बारिश हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा पहन ही लेते हैं। और ये हम अभी बस जल्द ही पहुँचने वाले हैं कोंडेश्वर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। वीकेंड्स पे अगर आप ऐसी जगह जाओ तो आप लोगों को बहुत शांति मिलती है, जहाँ पर कोई भी शोर ना रहे, एकदम जैसे आप ये रास्ते देख रहे हो। तो मुझे ऐसी जगह एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पे फुल ग्रीनरी हो, नेचर हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो, और मॉनसून में तो बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर हमें बीच रास्ते में एक तालाब दिख रहा है, यहाँ पर बहुत लोग भी हैं। ये कोंडेश्वर लेक है। चलो, मंदिर तो किसी रीज़न के वजह से बंद था, हमें अंदर एंट्री नहीं मिली, तो अभी हम यहीं पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी अच्छी प्लेस है। हेलो, मस्त है व्यू, ज़्यादा अच्छा है बहुत। ये देखो जया, देखो इम्पोर्टेड लड़की। तो ये जनाब मुझे चढ़ाते रहते हैं इम्पोर्टेड बाल बना रही है व्लॉगिंग के लिए। देखो अभी बनाएगी, बनाएगी करेगी थोड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक पहाड़ है बहुत ही अच्छा, यहाँ पर ऊपर आराम से चलने गए थोड़ा। आ जा आओ, जाना है कितना, चलो आओ आओ, थोड़ा एंजॉय करते आओ। देखो हम पहाड़ी चढ़ने जा रहे हैं। हम मंदिर तो जा नहीं सकते, मंदिर बंद था बिकॉज थोड़ा कुछ उधर प्रॉब्लम रहता है, पुलिस वाले ने मना किया। आए तो और ही देख लें। अच्छा है यहाँ पे ग्रीनरी तो बहुत अच्छा है, हवा बीच में बारिश भी पड़ रही है, तो हम रेनकोट पहन, हवा 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 बहुत अच्छी है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा स्टीप है, चलेगा। ये देखो अच्छा व्यू है, मस्त फुल बादल ही बादल, अच्छा व्यू है। एंजॉय द नेचर मैन। यहाँ पर हमारे जैसे फैमिलीज भी आई थी, तो उनका भी पोपट हो गया, तो सब ऐसे कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं। हम भी ऐसे घूमने आए। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है बार बार, तो बहुत मजा आ रहा है। सामने देखिए कितना मस्त नजारा है, ये देखिए ऐसा। जब हम वहाँ से निकले तो हमें रास्ते पर एक रिसॉर्ट दिखा, निर्वा रिसॉर्ट, जो कि बदलापुर के रास्ते पर ही आता है। तो हमें काफ़ी भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा यहाँ पर ही हम लंच कर लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पर रुके। उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया एंड तब तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे कैसे क्या है, तो हमने थोड़ी इंक्वायरी भी ले ली कि कभी हमको फैमिली के साथ आना हो तो क्या चार्जेस हैं, कैसे रहता है सब कुछ, तो हमने वो पूरी डिटेल्स पूछ ली।
यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा नज़ारा था तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए, इसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्चर्स ली यहाँ पर भी। देन हमारा खाना आ गया जो कि बहुत ही डिलीशियस था, हमने पेट भर कर खाया, बहुत ही लाजवाब था। खाने के साथ ऑनियन एंड नींबू, आहा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर